हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि आज मैं मतलब इसी मेरी ड्रेस में तीसरा वीडियो बना रही हूँ। एक माँ के साथ बनाया है, एक और बनाया है, एक ये है। कोई पता नहीं है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, पर फिर भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ कि ड्रेस व्रेस की रिगार्डिंग कोई कमेंट मत करना प्लीज़। और दूसरा ये बता दूँ कि ये वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी, क्योंकि ये मैंने वीडियो पहले बनाना था, काफ़ी पहले, थोड़ा मैं लेट होगी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जो मैंने वीडियो बनाया था ना कि बच्चे बदतमीज कहलाते हैं, उस वीडियो के लिए बनाना तभी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लगभग 1,000 बंदे ऐसे हैं, 1,000 जने कि जो मैं वीडियो डालती हूँ और लगभग हाथों हाथ ही देख लेते हैं, और जिसने भी 1,000 जनों में, हालांकि बाद में भी कमेंट्स आए हैं ऐसा नहीं है, पर जिसने भी मतलब वो कमेंट्स किए, जिसने भी वो पोएम सुनी और कमेंट्स किए ना, वास्तव में दिल चीर देने वाले कमेंट्स थे। वास्तव में मतलब चलो निकली मेरे मुंह से वो, पर वो लगभग मेरे को लगता है हर घर की, हर जने की सच्चाई थी वो। और सबने मतलब कईयों ने तो कहा कि दीदी ये तो हमारी बात ही बोल दी आपने, ऐसा गुजर रहा है क्या करें, बहुत सही है, बहुत हकीकत है। और एक ने तो मतलब ऐसा कमेंट किया भी, मतलब वो भी मेरे दिल को छू गया कि अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें कहते हैं कि कलयुग आ गया है। बच्चे ऐसे कहते हैं, कहते हैं माँ बाप के लिए कलयुग नहीं है क्या? बहुत सही बात है, कलयुग है तो सबके लिए ही है। अगर देखो गलत है ना तो गलत है, गलती है उसको गलत कहो। हम सब जानते हैं कि सब जानते हैं गलती किसकी है, पर बोलता कोई नहीं है। मैंने वो पोएम लिख दी, डायरेक्ट मैंने भी नहीं कहा, पोएम लिख दी, पर वो कुछ भी कह लो है वो सच्चाई है हमारे समाज की। तो बहुत सारे कमेंट्स के ऐसे हो रहे हैं, क्या करें ऐसा ही है, तो मैं यही कहूंगी। और दिक्कत वो ही नहीं थी, सिर्फ यही थी भी, कई ये भी कह रहे थे कि पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आती है, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करें, मतलब ये था कि दिक्कत है, लड़कियों को दिक्कत है, लेडीज को दिक्कत है। तो मैं ये ही कहूंगी, देखो कि बार बार ही कहती हूँ, परिवार छोड़ना, घर तोड़ना कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है। फाटक पे खड़े होते हैं ना अपने, तो क्या होता है कि ट्रेन निकल जाती है और व्हीकल वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक बो 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 सारे मतलब क्या करते हैं कि अपना हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं व्हीकल्स का। तो क्या उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर फाटक वाला फाटक खोलता है क्या? कभी नहीं खोलता कभी। और उसको सिग्नल मिलता है और उसके बाद वो फाटक खोलता है। तो यही कहूंगी कि उस फाटक वाले भैया की तरह अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरा करो और काम भी करो, ड्यूटी भी करनी है। ये नहीं है कि कानों में सिर्फ रुई डालनी है, ड्यूटी नहीं करनी, ड्यूटी करनी है, काम करनी है, और अपना जो पैशन है, अपना जुनून है, अपनी मेहनत है, वो सब कुछ जारी रखनी है। बार बार कहती हूँ अन्याय मत सहन करो, पर सहन लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो भी बात मैं कहती हूँ कि अपने कह देते हैं बोल के, जेंट्स कहते नहीं है, जेंट्स बाहर निकलते हैं, जेंट्स भी बहुत कुछ सहन करते हैं, तो सहन तो करो भाई थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि सहन ना करो, फर्ज अपने पूरे करो, जिम्मेदारियां निभाओ। दिक्कतें मुझे भी आती थी, बहुत दिक्कतें आई है, मेरे मेरी मम्मी को कहती थी, मेरे मम्मी एक ही बात कहते थे, कहते तू तेरा फर्ज कभी मत छोड़ना। कई बार ऐसे होता था भी मतलब, पर कहते नहीं तू तेरा फर्ज कभी मत छोड़ना, कहते कोई नहीं जो जैसे कर्म करेंगे भगवान वैसा फल देगा, तेरा फर्ज है तेरे कर्म करना। तो वही बात मैं आपसे कहूंगी कि आपका जो फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कभी मत छोड़ना। और ट्रेन निकल जाती है, बाद में फाटक वाला भैया भले गाली निकाल ले सबको, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसका पता है सबको अपनी अपनी जल्दी है, सब अपने अपने रास्ते पे बनेंगे। उसी तरह अगर कामयाब हो जाओ ना तो आप जो मर्जी करना ठीक है, पर फिर भी कहती हूँ याद रखना ट्रेन फिर से आएगी, फाटक फिर से बंद करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार फाटक खोल दिया ड्यूटी खत्म होगी, ठीक है चलो एक ओहदा बढ़ जाता है नौकरी लगने के बाद, इसमें सच्चाई है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगी बिल्कुल भी, कि रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ओहदा बढ़ जाता है और थोड़ा सा अपना हो जाता है लेवल घर में ऊपर, तो इस बात में सच्चाई है, मना नहीं कर सकते। और ये है कि देखो परिवार है, प्यार है, अपनों का साथ है ना, वो चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे लग जाओ आप नौकरी, चाहे लग जाओ आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर अपना परिवार है ना, अपना ये तो है नहीं, देखो अकेला बंदा है उसका तो कुछ नहीं कह सकते, पर अगर अपना परिवार है, अपने को सामाजिक हैं, अपने समाज में रहते हैं, तो अपने सब चीज़ों की बहन भाई माँ बाप सास ससुर देवर जेठ सबकी ज़रूरत पड़ती है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है कहते हैं पड़ोस अच्छा होना चाहिए, पर अपनों की जगह पड़ोस कभी नहीं ले सकता, अपने अपने ही होते हैं।
तो प्यार मतलब क्या है, दो भी लो भी, दोगे तो मिलेगा भी, सीधी सी बात है। तो फर्ज पूरा करना कभी मत छोड़ना, अपनों से दूर कभी मत होना, गुस्सा कर लो तो मना भी लेना, मान जाते हैं, कहते हैं ना धागे में गांठ लग जाओ तो टूट जाता है, तो वो गांठ गांठ से ही जुड़ता है, अपनों के साथ बिना गांठ भी जुड़ जाता है, ये बात सच्चाई है। एक बार झुक के देख लेना, झुकना पड़ता है, तो वो बात है कि आप, मैंने सोचा था ये मैं पहले ही बनाऊंगी वीडियो, और बहुत बार मेरे दिमाग में आता है, मैंने कहा फाटक वाला अपने ओरन की आवाज़ से फाटक नहीं खोलता, ठीक है, और ना ही वो ठीक है अपनी ड्यूटी कर रहा है, और बाद में अपने निकल जाते हैं, अपने देखते नहीं है शक्ल भी, फाटक किसने खोला, क्या कोई लेना देना नहीं है। वही बात है कि अपने को डिस्ट्रेस करने वाले बहुत होते हैं, अपना ध्यान बटाने वाले बहुत होते हैं, पर उस तरफ ध्यान ना दो, अपने फर्ज पूरे करो, अपनी ड्यूटी करो, और जब दिन बदल जाएंगे तो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में कहना चाहूंगी कि आपने बहुत प्यार बहुत सपोर्ट दिया है मेरे को, और उसी वजह से मेरी ऑनलाइन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है, तो अगेन इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।